हेलो। हाँ, आ रही है आवाज अब? जय हाँ हाँ जय माता की। आप बताइए, माता। तो मैं कल देखी, आपका शुभ नाम क्या है? अनन्या। मेरा नाम अजंसी बघेल है, मैं कुंती बघेल, नाम क्या है? अच्छा, वैजंती बघेल, वैजयंती बघेल। कहाँ से बोल रहे हैं? ये सिवनी एमपी से बोल रहे हैं। सिवनी। हाँ जी बताइए। तो मैं वहां गई थी कल, आपसे मैंने पहले बात किया था तो आपने बोले थे ना कि कुछ रसीदे वगैरह है वहां से तो मुझे भेजो कर। हाँ, पंडोकर धाम की। हाँ, तो हाँ जी। मैंने वही रख के आ गई थी, वहां एक रूम लिया था मैंने हाँ, और बताए आपने। सामान वहीं मैंने रख के आ गई थी। तो कल मैंने वहां से अच्छा सामान उठाया, आज सुबह पहुंची हूँ घर। तो अच्छा कल मैंने वहां का माहौल देखा, अभी भीड़ तो कम हो गई है पहले से, और हाँ अभी वहां पे वो चल रहा है, मेले की तैयारी चल रही है, शायद ये 6 तारीख से मेला शुरू है और लोग वैसे ही परेशान थे। मैं तो किसी से बात ही नहीं की, केवल मंदिर में दर्शन की, प्रार्थना की वहां पे। देखिए, अच्छा भगवान तो सच्चाई भगवान में है, लेकिन इंसान उसको अच्छे भगवे रंग को बर्बाद कर रहा है और इस तरह से बातें करता है, तो हर कोई दुखी है तो वो उसमें आ ही जाता है उनकी बातों में। बिल्कुल। हर कोई यही चाहता है कि हमारे जो तकलीफ है, यानी कि यदि बिल्कुल सही तरीके से यदि घर चल रहा है, सही तरीके से जीवन चल रहा है, तो कोई क्यों जाएगा वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो वो प्रॉब्लम रहती कुछ और है, और ये लोग उसी का फायदा, यानी बारीक नस दबा करके ही अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो बिल्कुल है सही। ना, हनुमान जी के लिए ऐसे मैंने वहां पे जो मंदिर है बाल हनुमान का, तो हाँ वो मंदिर में तो मुझे फायदा हुआ, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ। फायदा ये हुआ कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि जीवन क्या है और किस तरह से हमको चलना है। उनका साथ हाँ रहा मेरे साथ, मेरे हनुमान जी का हमेशा मेरे साथ में साथ रहता है, और शायद हाँ इसलिए शायद मुझे वहां लेके भी गए कि देखो सच्चाई ये है कि जो है हम बता नहीं सकते कि किस टाइप से वो कब हमें क्या दर्शाना चाहता है प्रभु, ये तो उसकी लीला जाने। तो मुझे मैंने वहां पे एक मतलब भजन लिखना भी शुरू किया था मैंने वहां से, तो अच्छा मैंने भजन बना लिया था, तो वो यूट्यूब में डालने के पहले मैं वहां उनको चढ़ाने गई थी, पहले उनके चरणों में वो भजन बजा, फिर मैं वाह, वापस, जब मैं वापस आ रही थी तो वहां काफी लोग, हम लोग गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तो गाड़ी में सभी लोग बैठे, सभी निराश थे, बोले इतना पैसे ले लिया, इसने ऐसा ले लिया, काम कुछ करते नहीं, यहाँ तो केवल अमीरों का, जो बहुत पैसे वाले हैं उनका ही गुरुजी सुनते हैं और हमारा कोई सुनता नहीं है, बोले हम लोग कितने दिन से परेशान है ऐसा वैसा। तो मेरे से वो पूछा, बोले मैडम आप कहाँ से आए? तो बताई, मैं बोली सिवनी से आए हैं, हाँ और बोले आपका काम हो गया? मैं बोली मेरा काम कुछ हुआ नहीं है, फिर हाँ हमें 50,000 खजाते तो हम भी लुट के बैठे हैं, मैंने कहा। हाँ तो उन लोग भी बोले कि बोले हम जून जुलाई से हम लोग आ रहे हैं, फिर सब कहते थे अल्टीमेटली ये निकला वहां पे कि काम अभी भी किया कुछ हो नहीं रहा है, और इतना सारा जो रिपोर्टिंग हुई है, इतनी सारी चीजें जो आपके पास भी आई है, यूट्यूब में भी हाँ चली है, तो भी लोगों का जाना मतलब लोग उल्लू बन ही रहे हैं, और उल्लू तो बनना बना रहा है आदमी, तो क्या कर लेगा, दुखी इंसान तो उल्लू बनता ही बनता है हर जगह। तो अच्छा वहां कुछ अभी भी सुधार नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है। अच्छा प्रॉपर वे में वही सारा क्रम चल रहा है, पैसे सब, लेने वाला। और इतनी बुरी तरीके से मतलब औरतों के साथ भी ट्रीट किया जा रहा है। कल मेरे को पता चला कि कोई, कल मतलब क्या 3 तारीख थी ना कल, हाँ हाँ, तो 2 तारीख का कहीं कोई वहां पे महिला आई होगी, और महिलाओं की खास आदत है कि घर के अंदर सरेंडर रहती हैं वो अपने पति के हाथों के नीचे, है ना, और लड़कियां अपने माँ बाप के भाइयों के हाथ के नीचे रहती है ना सुरक्षा में, तो हाँ वो ज्यादा करके वो उतना ध्यान देती नहीं, और जब कोई कहीं और जाती है, जब कोई चीज क्वेश्चन कोई पर पुरुष बोल पूछता, चाहे वो कोई भी रहे, वो डॉक्टर रहे, वो कोई भी रहे, तो वो एक बार दो जरूर पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों, तुरंत में एक बार में समझ में नहीं आता, तो वो पूछती है, तो जब वो स्त्री ने पूछा बोलते, तो वो बहुत जोर से उसको बोले धक्का मार के निकालो उसको बाहर, बार बार पूछती है। तो ये औरतों के साथ में बुरा व्यवहार रखना, ये सब ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं तो गुरु जी से मिलने गई नहीं और जाऊंगी भी नहीं, मेरे को भी नहीं जाना, केवल मैं भगवान के दर्शन करी वापस आ गई, और अपना जो सामान रखा था वो वापस लेके आई, और वो मैं आपको भेज सकती हूँ, फिर वहां के पेपर्स वगैरह हैं मेरे पास में। बिल्कुल मुझे भेजिएगा। पर ये तो अगर इस तरह महिलाओं से आकर भलसा कर रहे हैं तो बहुत गलत है। हाँ गलत बात है, और मतलब लोगों की चर्चा यही चली वहां पे कि इस टाइप से औरत को, चलो, और फिर एक बताने लगा कि बोले एक आदमी को गाली भी दिया उन्होंने, बोले तो
वो गाली क्या मतलब हुआ, कोई परेशान है वहां गया है आपके मुताबिक पैसा भी दे रहा है तो क्या हाँ गालियां सुनने के लिए गया है क्या? सुनने के लिए और धक्के खाने के लिए ये चीज ठीक नहीं। नहीं तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। एक बात और है सर, कल या परसों मेरा गाना इसमें आ जाएगा, आप लोग भी सुनिएगा उसको, भजन हाँ वो हनुमान जी का भजन, हनुमान लाला प्यारे आओ गोद में हमारे, ये मैंने अभी आज आज या कल यूट्यूब में चला जाएगा। तो कहने अच्छा का अर्थ ये है कि ये भजन के लिए भी मैं वहां जब गाने गई, क्योंकि वहां तो सभी चलता है ना, दरबार चलता था, हर कोई गा सकता है, हर कोई इसमें है, तो वहां अजय शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे से मेरे यहाँ से माइक छीना, बोले जब तक आप तो आपको गाने की जरूरत नहीं थी। तो क्यों? हाँ वैसा होता है वहां पे। तो फिर मैं दोबारा कल परसों जब रात को मैं वहां गई थी, तो मेरे को फिर पुजारी के सामने मैंने वो मोबाइल रखा, बोली भैया मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये भजन मैंने हनुमान जी के लिए लिखा और हनुमान जी के चरणों में डाल दी। तो उनको वहां चल दे, तो मैंने बोली ये भजन तब मेरे को तसल्ली होगी। तो फिर मैंने वहां पे भजन, जब तक मेरा मोबाइल वहां पड़ा रहा मैं वहां खड़ी रही। उसके बाद फिर बोलने लगे, बोले अरे मैडम जी, बोले कितना प्यारा भजन लिखे और बहुत अच्छा गाए भी हो, बोले तो आप दरबार में जाके गाओ ना, बोले। तो मैंने बोली वहां तो हाथ से माइक छीन लेते हैं, देते भी नहीं, यानी इतना तरसाया गया है। एक तो भजन मैंने पहले भी वहां गाए थे, तो वो इतना तरसाया जाता है कि नहीं, वो जो अजय शर्मा जी हैं वो तो खैर अब भगा दिया गया है उनको, लेकिन में आया कि उसको भगा दिया गया। तो वो आदमी ऐसा आदमी था कि बस मैं हूँ क्या, अरे हम तुम्हारा कोई सीट थोड़ी छीन रहे हैं, वो तो भगवान का दरबार है, कोई भजन से अपनी भक्ति करता है, कोई प्रसाद चढ़ा के करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। जब वो सारे दरबार में सब भगवान के लिए ही आए हैं सारे लोग, तो इतना तो बनता है ना, धरती बिल्कुल बनता है। तो मैं वहां से निराश होके आई थी, फिर मैंने वो भजन मैंने परसों रखो, मैंने रिकॉर्ड करवाई थी, रिकॉर्ड करके लेके गई थी कि मैं उसे चरण करके वापस आके फिर यूट्यूब में डाली। ये तो सही से गलत है। आप इस प्रारंभ में कुछ आपने बताया था, आप कब गए थे स्टार्टिंग में? मैं स्टार्टिंग में 2021 में गई थी, अक्टूबर महीने में, अच्छा। है ना, और 22 भर मैं वहां गई हूँ, 22 पूरा 22 मैं वहां पे 12 पेशी, बोले तो 12 पेशी किया मैंने, और 50,000 रुपए समझो खर्चे ही हो गए मेरे, एक फोन करवाया उन्होंने 24,000 25,000 उसमें लग गए। और आपको मैं क्या बताऊं कि मेरा पति मुझे छोड़ दिया है, वो भी बेईमान था। मैं वही कह रही थी आपको उस दिन भी कि घर के अंदर भी माहौल सब सही है तो हम क्यों जाएं। हर कोई बिल्कुल व्यक्ति को ये चाहिए कि यदि वो बेटे के रूप में है तो बेटे का कर्तव्य निभाए, यदि वो पति के रूप में है तो पति का कर्तव्य निभाए, और यदि वो माँ के रूप में है तो माँ का कर्तव्य निभाए। यानी हर कोई अपना दायित्व संभालेगा बहुत प्यार से और इज्जतदारी से अच्छे से, तो ऐसे बाबाओं की जो चटनी बन जाए, ऐसे लोगों के घर जाएगा कौन, कोई कोई नहीं जाएगा फिर तो। नहीं जाएगा, क्या जरूरत है जाने की। तो मैं कल भी वहां बैठ करके मैंने उन लोगों को यही कहा, मानी आप लोग गलत रहा, अभी भी आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग घर के अंदर का माहौल बदलिए ना, ये क्यों आएगा कोई यहाँ पे, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, आप सही सोचिए बस बात। कि घर के अंदर का माहौल मैं क्यों, मैं अपने आप पे जो मेरे पे गुजर रही है वो मैं जान रही हूँ ना, मुझ पर क्या गुजर रही। सही यदि है। सब सही हूँ, मेरे हाथ पैर टूटे नहीं, मैं अनपढ़ नहीं, मैं गंवार नहीं, मैं तो इतना सारा काम करके अपने पति के लिए क्या नहीं किया मैंने, यदि वो मुझे छोड़ के दूसरी शादी कर सकता है तो मेरे दिल पे तो एक समय यही गुजर रही होगी ना कि क्या पता किसने कुछ किया क्या। ये किया क्या वाली जो बात होती है ना, ये अन्य सही यदि जबरदस्ती की परेशानी जब आती है तब इंसान सोचता है, और तब वो जाते हैं वहां के, नहीं अरे मरता क्या ना करता, सोचता ना भाई कि तिनका आया इसी को पकड़ लो शायद बच जाऊं, लेकिन वहां पे जाके लूटना है, डूबना है और कूट कूट के डूबना है मेरे हिसाब से। तो तो आप ये मैं मुझे आप सारी फोटो उसकी जो भी है उसकी मुझे भेज दीजिएगा और मैं इसकी वीडियो बना के डालने को तैयार हूँ, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? तो नहीं, मेरी कोई आपत्ति नहीं है, और वो जो कुछ हुआ। आप अच्छा सुनिए, और क्या हुआ था कि मैं क्यों गई थी, मैं इसके लिए नहीं गई थी, मेरे पति के लिए नहीं गई थी, क्योंकि हाँ कर्मठ हूँ और मैं अपना काम करना जानती हूँ। जब मेरे पति ने मुझे छोड़ा तो जब उसने दूसरी शादी कर लिया तो मेरे पे क्या आघात गुजरी वो मैं जान रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा ऐसे ऐसे लोगों के पीछे भागने से अच्छा है कि मैं खुद अपना काम शुरू करूँ। तो मैंने अपना काम शुरू करके पहले अपने को स्टे किया है मैंने, अब उसके लिए पेंशन के लिए मैंने अब लगा रही हूँ केस। जब मेरे पास पैसे नहीं तो मेरा कौन सुनने वाला है बता। तो पहले पैसे कमाना है, तो हर स्त्री को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मेरे पैरों में बहुत दर्द हो गया था, बहुत दर्द, मतलब दाहिना पैर तो
यदि मापक यंत्र से देखा जाए तो 100 का यदि दर्द होगा तो मेरे पे 1000 दर्द, इतना दर्द था मेरे को। तो वो दर्द के लिए से मैं गई थी वहां पे कि ये दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कोई बाहरी चीज हो, तो हमें समझ में नहीं आ रही है, करके हम वहां गए। क्योंकि सारा इलाज मैंने कर ली, सब कुछ कर ली, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो जब मैं वहां गई तो उन्होंने बताया, लेकिन करते कुछ नहीं, बता के कैसे हटते हैं बता कुछ नहीं। जब मैं ठीक नहीं हुई ना, मैं अच्छी नहीं हुई, अभी भी मेरे पैर में दर्द है, तो उन्होंने कहा था कि बोले जब आप हवन कराओगे तो आपको आराम लगेगा, ये सब होगा। हवन करवाए हमने और मैं खुद किसान हूँ, किस मुसीबत से, मेरा पति नहीं कुछ नहीं, और मैं कैसे, मैंने पैसे 1-1 रुपए इकट्ठे करके किया होगा, आप तो सोचते। मैं खुद छोटी सी जमीन में किसानी करी, 15-20 हजार रुपए मेरे को उसमें निकले, तो वो जाके पूरा उसमें मैंने लगा दिया, यज्ञ में उधारी लिया, देवर गिर भी रखा, सब ले जाके वहां डाल दिया। अल्टीमेटली मिला कुछ नहीं, और तकलीफ में आ गई, और उसके बाद में भी कुछ नहीं। जब सर पे छाया नहीं तो इंसान क्या कर लेगा, ये बताए। और उसके बाद भी ऐसे लुटेरे बैठे हैं, तो मेरा तो खून पसीने की कमाई, मेरे को तो गुस्सा आती ही बहुत कि ऐसे क्यों बैठे हैं ऐसे लोग, है तो बहुत गलत है, बहुत गलत। मेरे जैसे तो मेरे से इतनी हाई मैं रोज निकालती हूँ, मैं क्या बताऊँ, इतनी बदवाई निकलती है मेरे दिल से, कराह निकलती है कि वो पैसे रहते थे, आज मेरे देवर पूरा पड़ा समझो, जो कुछ था मेरे पास सब मैंने गिरवी रख के वहां गई, आने जाने में 5000 का खर्च आकर। उसके बाद में जाओ, स्टार्टिंग में इन्होंने वो रसीद कटवाएंगे, फिर 3700 का रामायण का वो ले लिए, अरे वो तो सबका उनका उनका रोजी रोटी चल रही है, रामायण हो कहाँ रही है तो बताओ। है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। वहाँ जो होता है यज्ञ होता है वो भी सार्वजनिक होता है, जब सार्वजनिक होता है तो 25,000 रुपए लगते हैं, सबको शेयर करें ना सब एक साथ, तो 10-10 रुपए खर्चे आएगा। फिर जब आदमी एकदम से 150-200 आदमी बैठा के तुम एक साथ में हवन करवाते हो, अब लेते 25-2500 रुपए, 25-25 हजार रुपए ले रहे हो, जब सॉरी बोलती 2500 बोलती थी मैं, 25,000 रुपए ले रहे हो, तो फिर 25,000 किस काम के, फिर 1000-1500 में आप हवन करवाओ ना, फिर एक हो रहा है सारा काम। तो इतना लूट मची, हर जगह लूट मची है। ये लूट के खिलाफ तो मैं भी एक बहुत अच्छा एक फिर गाना मेरे दिमाग में आ रहा है, लिखूंगी उस गाने को, उसको मैं भी अपडेट करवाऊंगी कि इस टाइप से, चाहे बागेश्वर धाम बोल लो, चाहे यहाँ बोलो, चाहे कौदेली सरकार बोलो, सब एक ही थैली के चक्के पड़ते हैं। गलती हमारे से, हमारी सोच में है, हमको घर परिवार में यदि सब सही रहे तो इंसान कोई औरत नहीं जाएगी बाहर, कोई आदमी नहीं जाएगा बाहर, क्यों जाएगा वो, घर के अंदर क्या चाहिए, सुख चैन की रोटी, दो टाइम की रोटी, और चैन से एक दूसरे का व्यवहार हो और भजन पूजन हो और अपने रोजी रोटी चलती रहे, यही तो चाहता है आदमी, क्यों कोई एक्स्ट्रा क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप कोई समाज को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, यही समाज को मैसेज देना चाहूंगी कि आपको जिस स्थिति में ईश्वर ने रखा, बेटे की स्थिति में रखा, पति की स्थिति में रखा, माँ की स्थिति में, जो भी आपका व्यक्तित्व है उसको आप सर्वमान बिल्कुल आप उसका नीति से पालन करें, कभी कोई तकलीफ नहीं होगा, एक दूसरे का सम्मान करें, बस यही इन जो बाबाओं की ना हटाने की एक कुंजी है बस। आप पंडोकर बाबा के लिए समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग अपने घर सुधारे ना जाए, ऐसे पैसे मत बर्बाद करो, कुछ नहीं हो रहा वहाँ। अर्पण डोकर बाबा में बोलते हैं, कहीं बोलो केवल वहाँ जो पैसे वाले हैं लाखों, जिनके पास 2 नंबर की कमाई, वो जाके लुटाएगा ना, और जो बेचारे छोटे मोटे तनख्वाह वाले हैं वो तो मर जाएंगे, वैसे मर जाएंगे, क्या करेंगे, मत जाए आप ऐसी जगह। भगवान को पूजन करें, हर जगह भगवान है, हर जगह वो है, उसको पहचाने। तो कुल मिला के वहाँ पे आपके हिसाब से कोई सच्चाई नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल काम और भगवान के नाम से लूट रहे हैं पैसे, लूट रहे हैं वो, कोई जागृत करके रखे हैं उन्होंने, तो वो सच्चाई बता देता है वहाँ पे। सच्चाई बताने से कुछ नहीं होता, आप उसको कर्म करें ना, सही करें तो उसको, बस बताने से क्या होगा। नहीं, बता कहाँ देते हैं, पर कहीं ना कहीं से आप ही लोगों से जानकारी इकट्ठी करके फिर बता देते हैं, बता देते हैं तो वो ठीक है ना, वो उनको जो बताया हमने कहीं ना कहीं जानकारी तो मिली होगी, कोई ना कोई सोर्स होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा जानकारी इकट्ठे करके बता दिए तो भी क्या सत्यता हुई। और दूसरी बात, आपको बताने से क्या आपके कार्य हो गए क्या? हाँ, कार्य हो जाए वो भले मत बताओ, लेकिन कार्य सही हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हम यह सोचते हैं कि हमारा जो भगवान के प्रति जो आस्था है वो हमारी बढ़ रही, बढ़ नहीं रही वो घट रही, क्योंकि हम वहां जाते हैं पता लगता है कि वो मंदिर भी झूठा, ये भी झूठा, वो भी झूठा। तब मेरे को समझ में आया कि ये मूर्ति में सच्चाई है, आपको मांगना है तो मूर्ति में जाके आप बोल लो वहां सच्चाई है, या किसी गरीब की मदद कर दो वो सच्चाई है, बाकी सब झूठ। मतलब जो पंडोकर बाबा जिस तरह का ये फ्रॉड कर रहे हैं इसमें सच्चाई नाम की चीज नहीं, सच्चाई नाम की चीज नहीं है, सब झूठा, सब लूट मची हुई है, एक तरह का लूट रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो 10 पीढ़ी का अपना तैयार कर लिए, उन्होंने तो 10 पीढ़ी का अपना तैयार कर लिए, जितना भी संपत्ति है आपका क्या गया, आपके पास जो था वो भी गया, आप कहाँ गए,
एक एक गरीब महिलाओं को बुला के, एक एक गरीब तेरी मदद किए होते ना तो कहने के पैर छूने के काबिल रहते वो, कि नहीं यार किसी की मदद तो कर रहे हैं ना। ठीक है, वहां पहले लुटेरे होते थे डाकू, अब ये दूसरे प्रकार के डाकू है, मुझे तो ऐसे लगता है। अच्छा अच्छा मतलब आपके हिसाब से एक तो खुले में लुटता है ये, तो हाँ बुला हाँ के हम जाके इस तरह का ये भी लूट ही रहे हैं। ये भी लूट ही रहे हैं, सब लूट रहे हैं ये लोग। तो मुझे आप एक फोटो, जो भी आपकी रसीदें हैं हाँ सभी की, तो एक एक फोटो मुझे भेजिए, और एक अपनी फोटो सेल्फी खींच के मुझे भेज दीजिए इसी व्हाट्सएप नंबर में, मैं वीडियो डालने को बिल्कुल डालता हूँ। ओके ओके, पर इससे क्या हो रहा है, अभी कुछ मिल रहा है कुछ कि नहीं मिल रहा कुछ, क्या कहाँ तक बिल्कुल बिल्कुल, एक कई FIR वगैरह भी हो गई है, बहुत कुछ हो रहा है, कहीं हाँ ना कहीं ऐसे रास्ते बनेंगे कि ये दुकान जरूर बंद होगी। हाँ हाँ तो क्या हुआ था कि मैं पहले गई थी 19 में, 2019 अच्छा में, जो मेरे पति अच्छा ने 2013 में शादी किया था, तो हाँ भटक ही रही थी मैं यहाँ वहाँ, यानी कितनी लथड़ गई थी मैं नहीं जानती हूँ। तो वहाँ पे उस समय ये वीडियो में चल रहा था सारा, करौली सरकार का भी चल रहा था ना, तो वहाँ पे भी मैं गई थी। तो मैंने वहां से जब मेरे को कुछ फायदा हुआ नहीं तो फिर मैं यहाँ ठीक है चलो ये अच्छा होगा यहाँ जाती हूँ, तो अच्छा, यहाँ आप करौली, करौली सरकार भी गई हैं, वहां भी गई थी। तो मैं ये हुआ वहां भी किसी तरह का लाभ नहीं हुआ। वहां भी, वहां कम से कम 50,000 रुपए मेरे वहां लग गए, 1,00,000 रुपए यहाँ लगे हैं। अच्छा, 50,000 आपने वहां भी खर्चा किए, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। हाँ वहां भी मैं अपने बेटे को लेके गई थी, और एक ही बेटा था मेरा सहारा, वो भी ऐसा हम लोग में माँ बेटे में ऐसा मतभेद पैदा हुआ कि एकदम दुनिया बन गई है ना, जो कि इसके लिए जा रहा है जब हो ही नहीं रहा है। और वहां भी यज्ञ करवा लिए, कम से कम कितने 3,500 का एक 7-8 यज्ञ कर लिए हमने, और बिजली को लेके वही यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ कराओ उससे अच्छा हो जाएगा, सब झूठ बात है। और उसके बाद में यज्ञ हो गया, कुछ नहीं हुआ वहां पे। अब अभी का जो माहौल उनका चल रहा है कि उनके खिलाफ भी चल रही है चर्चा, तो ये मेरी आह है सर जी, ये मेरी आह है, जो रात दिन मैं रोती हूँ कैसे लोगों को क्यों निभाना फोड़ते प्रभु, ये आह है मेरी। और अभी मैं उनसे यही चैलेंज करती हूँ करौली सरकार से भी, कि जब आप खड़े खड़े आकर्षण करते हो, खड़े खड़े आप सब कुछ बदल देते हो, तो मेरी उम्र बदल के दिखाओ ना, मैंने जिया ही क्या है बताओ, आज मेरी उम्र जो भी है, मेरे को 25 साल बना दो जरा देखो फिर मैं क्या करती हूँ। जब इतना आप संपर्क करते हो, गुरुदत्त बदल सक रहे हो, आप ऑपरेशन हो रहे हैं, और धन्यवाद हो रहे, कैसे कैसे निपत्तर हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं कि जो ऐसी जगह घुस जाते हैं जो बोल रहे कि गुर्दे बदल नहीं, अरे ऐसे कैसे बेवकूफ से बेवकूफ है क्या हमारे यहाँ के हिंदुस्तानी। चलो यज्ञ कराए उसकी बात अलग है, यज्ञ करा लिया बात अलग है, अभी की जो मैं कह रही हूँ कि अब तो 1,00,000 रुपए ले रहा है और बोल रहा है कि क्या बोलते हैं अभी ऑपरेशन हो रहा है, आंख बदल गई, अभी क्या बोलते हैं हमारे माइंड की पूरी नसें बदल गई, बिल्कुल अच्छा हो गया, क्या चमत्कार है। और यदि ये चमत्कार है तो चैलेंज है मेरा उस करौली सरकार को, मेरी 25 साल की उम्र बना दे, जो मेरा बिगड़ा वो मैं सुधार लू। ठीक है, ये भी बिल्कुल मैं समाज तक मैसेज आपको पहुंचाएंगे, जी और जी मुझे आप ये भेजिए। ओके, ठीक है, जय माता दी। जय माता दी।